तब एचईडी हेड का यूज हम कब करेंगे, हैज और हैव के प्लेस पे यूज करेंगे और वो थिंग्स एक्चुअली ऑलरेडी हो चुकी हो तब हम यूज करेंगे. लुक हियर, हैड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हैज और हैव व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड. हैड हम कब यूज करेंगे स्टूडेंट्स, कि ऐसी थिंग्स जो ऑलरेडी हो चुकी हो उसमें हम हैड का यूज करेंगे in place of has or have. We use had with I, we, you, he, she, they and with special names. Example, Tina, Raj, कोई भी special name का word हो ना students, special name हो, person का name हो, animal से कोई भी special name हो ना students, तब हम had का use करेंगे. और अभी नहीं है, मंडे को चली गई वो टेस्ट, ये तो पास की बात हो गई.
यस और नो, ऐसी थिंग्स जो ऑलरेडी हो चुकी हो उसके बारे में बात कर रहे हैं ना हम, इसीलिए हेड पे टिक करेंगे सर। शी हैड अ टेस्ट लास्ट मंडे। नेक्स्ट नंबर 9, यू हैड अ ब्लू पेन, हैव यू लॉस्ट इट, तुम्हारे पास ब्लू पेन थी क्या तुमने खो दी, लॉस्ट की बात हो रही है, यस और नो, उसके पास पेन थी वो तुमने खो दी, क्वेश्चन मार्क हो रहा है। यू हैड अ ब्लू पेन, हैव यू लॉस्ट इट। नंबर 10 लास्ट वन, अ जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक, यहां पे सिर्फ नॉर्मली जिराफ की बात हो रही है, ये तो सबको पता है जिराफ के पास लॉन्ग नेक होता है, यस और नो, तो यहां पे हैज भी सब टिक करेंगे, अ जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक, डन। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी बी, लुक हियर, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैज, हैव और हैड, अभी हमें तीन का यूज करना है, हैज, हैव और हैड, लुक हियर, मेनी इयर्स अगो द किंग एंड द क्वीन हैड अ बिग पैलेस, मेनी इयर्स अगो यानी कि बहुत साल पहले की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, बहुत साल पहले की बात हो रही है, तो क्या आएगा, एच ए डी हेड का यूज करेंगे हम, इसलिए यहाँ पे सब हेड लिखेंगे। They lived in it, वो पैलेस के वो लोग रहते थे, the palace had a big garden, पैलेस में बहुत ही बड़ा गार्डन था, ये रहा पैलेस, आप पिक्चर में देख सकते हो स्टूडेंट्स, अभी सब पे हेड ही आएगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत साल पहले की बात हो रही है, इसलिए सब में हेड आएगा। Many birds came to the garden, the king and queen looked at the birds and felt happy. They had bread and honey every morning when they sat in the garden. Next, number 2, when Nikki was 5 years old, she had a doll house. जब Nikki 5 years की थी, तब उसके पास एक doll house था। वो 5 years की थी, तब था। तो ये तो पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग एच ए डी हेड का यूज करेंगे। इट हैड अ रेड डोर एंड अ बिग विंडो, अब वो डोर हाउस में रेड कलर का डोर था एंड एक बिग विंडोज भी थी। शी केप्ट ऑल हर डोर्स इन इट, वन डे मिनी केम टू प्ले विद हर, मिनी आई उसके घर पे खेलने के लिए, मिकी सेड डू यू हैव अ डोर हाउस, अब मिकी ने मिनी से क्या पूछा, वो कुछ पूछ रही है, और यहाँ मेरे को स्टूडेंट्स व्यू आ गए, वाई ओ यू व्यू, मैम ने एक बार बोला था प्रीवियस वीडियो में लेसन नंबर 19 में, जब भी आई एंड यू आए ना, वो वर्ड आए ना स्टूडेंट्स, तब हमें एच ए वी एव का ही यूज करना है, ओके, यहाँ पे यू आ गया, डू यू हैव अ डॉल हाउस, यू है इसलिए हम लोग हैव लिखेंगे, इफ यू डू नॉट हैव वन यू कैन कम एंड प्ले विथ मी एवरी डे, अगर तुम्हारे पास डॉल हाउस नहीं है तो तुम मेरे घर पे आके मेरे साथ खेल सकती हो। नाउ निकी हैज वेरी फ्यू डॉल्स लेफ्ट, अभी यहाँ पे सिर्फ निकी की बात हो रही है, इसलिए हैज, निकी हैज वेरी फ्यू डॉल्स लेफ्ट, शी कीप्स देम इन हर कबोर्ड, अब निकी के पास थोड़े से ही डॉल्स बची है तो उसने सभी डॉल्स को लेके कबोर्ड में रख दिया। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 20, हेड, एच ए डी हेड का यूज हम कब करेंगे वो हमने कंप्लीट कर लिया, व्हाट यू हैव टू डू, यस आप सबको पता ही है, यू हैव टू कंप्लीट दिस इन योर मास्टरिंग ग्रामर बुक, ओके, कर्सिव में लिखना है स्टूडेंट्स, कर्सिव राइटिंग इज कंपल्सरी नाउ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, तो अभी मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय देन टाइम, कंप्लीट योर वर्क, एंड यस वो फिलिंग द करेक्ट वर्ड में सब लोग मिडिल में टिक मत करना प्लीज, जो भी करेक्ट आंसर हैज और हैड दोनों में से जो भी करेक्ट आंसर अभी मैम ने दिखाए उस पे ही टिक करना, ओके स्टूडेंट्स, फिर आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे इसीलिए मैम बोल रहे हैं, ओके, सो कंप्लीट योर वर्क विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग।